फोर्स ऑन मूवेबल आर्म, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वापस चलते हैं इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर, ये पेपर में आता है। आप बस मुझे एक लॉजिक बताएं, ध्यान से सुने जो मैं समझाने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने इस रॉड को लेफ्ट मूव करवाया तो इसने मैग्नेटिक फील्ड को कट करता हुआ गया, इसमें ईएमएफ जनरेट होगी, कितनी जनरेट होगी, इज इक्वल टू बी एल वी, राइट। करंट इसमें कैसे पैदा होगा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाओ, बी बोर्ड के अंदर, थंब इधर और करंट नीचे। तो हमने डिस्कस किया करंट इंड्यूस करंट कैसे होगा नीचे, कोई डाउट इसमें, यहां तक कहानी ठीक है, यहां तक भी ठीक होती तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब चलते हैं पिछले चैप्टर में, थर्ड यूनिट में, एक महीना बैक, करंट कैरिंग रॉड इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, बी आई एल साइन थीटा फिर से आ गया, ये अभी पीछा नहीं छोड़ा। देखो करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में है, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी बी आई एल साइन 90, करेगी बी आई एल साइन 90। और डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हो, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब देखो यहां चक्कर पड़ जाता है, अभी यूज किया फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो इंड्यूस करंट बताता है, और जब करंट आ गया तो फिर पिछला चैप्टर खड़ा हो जाता है, वो कहता है देखो जी करंट कैरिंग वायर है, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और फोर्स कहां एक्सपीरियंस करेगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बी कैसे है, बोर्ड के अंदर, करंट कैसे है, नीचे, फोर्स एक्सपीरियंस कहां है, राइट, बी बोर्ड के अंदर है, करंट नीचे है तो फोर्स कहां पर है, राइट। तो देखो ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बी आई एल साइन 90, सही है। लेकिन आप रॉड को कहां मूव करवा रहे हो, लेफ्ट, भाई मेरी तो मर्जी है, मैं तो राइट मूव करवा, लेफ्ट मूव करवाऊंगा, लेकिन रॉड जाने को तैयार नहीं है। रॉड कहती है अच्छा तू मेरे को लेफ्ट लेके जाएगा, अगर तू मेरे को लेफ्ट लेके जाएगा मुझे सब पता है तू मेरा फ्लक्स कम कर रहा है, और अगर तू मेरा फ्लक्स कम कर रहा है मैं होने नहीं दूंगी, क्योंकि लेंस ने मेरे को सिखाया हुआ है लेंस लॉ कि अगर तुम्हारा कोई फ्लक्स चेंज करे तुम ऐसा करंट पैदा कर लो कि तुम जाने के लिए मना कर दो। तो कैसे मना कर रहा है, फोर्स को ऑपोजिट लगा लगा के, तो तुम इसको लेफ्ट धक्का मार रहे हो, करंट ऐसे पैदा हो रहा है कि वो फोर्स कहां एक्सपीरियंस कर रहा है, तुम्हारी मोशन के ऑपोजिट। और यहां पर लेंस लॉ भी सही प्रूफ हो गया, लेंस भी तो यही कहता है कि तुम अगर इसका फ्लक्स चेंज करोगे ये करंट पैदा करेगा और तुम्हारे चेंजिंग फ्लक्स को अपोज करेगा। तो यहां पे फैराडे भी सही बैठ गया, यहां पे लेंस भी सही बैठ गया, और एफ इक्वल टू बी आई एल भी सही बैठा है। तो रूल इसमें क्या लगाया हमने, हमने ये लगाया कि जब इसको हमने लेफ्ट मूव करवाया तो इसमें करंट पैदा हुआ, वो करंट की डायरेक्शन फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बताता है नीचे। फिर उसके बाद ये बताया कि करंट कैरिंग वायर इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वायर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बी आई एल साइन 90, वो फोर्स की डायरेक्शन, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आया बी नीचे, करंट इधर तो फोर्स इधर, फोर्स इधर। पर तुम फोर्स कहां लगा रहे हो, तुम मत हटना, तुम तो अपनी एक्सटर्नल फोर्स इधर ही लगाना, तुम्हें तो रॉड को इधर लेके जाना है, इसको लगाने दो जो फोर्स लगाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रूल समझ में आ रहे हैं यहां पर। अब क्वेश्चन ये आएगा कि बताओ फोर्स ऑन मूवेबल आर्म, भाई तुमने जब रॉड को लेफ्ट मूव करवाया तो तुम्हें फोर्स लगानी पड़ी, तुम्हें कितनी फोर्स लगानी पड़ी, तुम्हें जो फोर्स लगानी पड़ी वो किस तरफ लगानी पड़ी, लेफ्ट, लेफ्ट लगानी पड़ी, और किसके इक्वल लगानी पड़ी, इसके इक्वल लगानी पड़ी, क्योंकि मुझे वेलोसिटी क्या चाहिए थी, कांस्टेंट, और नेट फोर्स को मुझे क्या करना पड़ा, जीरो, क्योंकि जो फोर्स एक वायर एक्सपीरियंस कर रही है उसके इक्वल तो मुझे राइट फोर्स, लेफ्ट फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि मैं रॉड को लेफ्ट की तरफ ले जाऊं। तो यानी कि मेरी फोर्स अप्लाइड भी कितनी है, बी आई एल साइन 90, ये देखो फोर्स ऑन मूवेबल आर्म, तो मैंने कितनी फोर्स लगाई, बी आई एल साइन 90, जितनी वो एक्सपीरियंस कर रही थी। और करंट की वैल्यू क्या हमने निकाली थी, बी एल वी बाय आर, इन्हें मल्टीप्लाई करें, आंसर फोर्स का आ गया। फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर करें कि एक रॉड को मूव करवाने के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, एक्सेलरेशन नहीं है प्लीज, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कितनी फोर्स लगानी पड़ती है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। नेक्स्ट फॉर्मूला, तो हमें पहला रिजल्ट क्या है, मोशनल ईएमएफ कितना डेवलप होता है, बी एल वी,
करंट के, करंट का फॉर्मूला, करंट कितना डेवलप होता है, डीएलवी बाय आर। तुम्हें कितनी फोर्स लगानी पड़ती है रॉड को खींचने के लिए, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। और तुम अगर रॉड को कहाँ खींच रहे हो, लेफ्ट की तरफ, तो तुम्हें पावर भी लगानी पड़ेगी।